नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, फिल्में तो आप ज़रूर देखते होंगे। हाँ, पसंद अपनी हो सकती है। हो सकता है कोई बॉलीवुड की फिल्में पसंद करता है तो कोई हॉलीवुड की, किसी को साउथ इंडियन जो अलग तरह की कॉमेडी और एक अलग तरह का एक्शन होता है वो फिल्में देखना अच्छा लगता है, तो किसी को पंजाबी फिल्में अच्छी लगती हैं। फिल्म के कंटेंट की अगर बात करें तो किसी को कॉमेडी फिल्म देखना अच्छा लगता है तो किसी को ट्रेजेडी, किसी को हॉरर फिल्में पसंद हैं तो किसी को सस्पेंस थ्रिलर। यानी हम फिल्में सब देखते हैं लेकिन उसका टेस्ट हमारा अलग हो सकता है, देखने का नज़रिया हमारा अलग हो सकता है। लेकिन एक जो कॉमन बात सब फिल्मों में होती है वो ये होती है कि फिल्में सोसाइटी से जुड़ी होती हैं। जैसे साहित्य समाज का आईना होता है, इसी तरह जो सिनेमा है वो भी समाज का आईना होता है। जो आप सोसाइटी में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमें सिनेमा में देखने को मिलता है, और जो सिनेमा में होता है उसका कहीं ना कहीं सोसाइटी पे असर हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने बॉलीवुड की उन चुनिंदा फिल्मों को लिया है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर एक प्रकाश डालती हैं, उसकी अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, उनको आपके सामने रखती है। न केवल इन फिल्म्स के जरिए समस्याओं को उठाया गया है बल्कि उन समस्याओं का समाधान भी बताया गया है और अच्छे अच्छे संदेश हम सब के लिए उसमें बताए गए। हालांकि इन फिल्मों में से काफ़ी फिल्म्स आपने देखी होंगी, लेकिन अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ कॉमन मैन आपको ये फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सी वो फिल्में हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तस्वीर आपके सामने रखती हैं। इस कड़ी में पहली फिल्म है तारे ज़मीं पर। यह फिल्म 2007 में रिलीज़ हुई। इसका निर्देशन किया आमिर खान ने, और न केवल निर्देशन किया बल्कि उन्होंने इस फिल्म में एक ख़ास भूमिका भी निभाई। साथ में उनके दर्शिल सफारी एक बाल कलाकार की भूमिका में टिस्का चोपड़ा और विपिन शर्मा, इन सब कलाकारों ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई। लेकिन दर्शिल सफारी जो इस फिल्म का केंद्र बिंदु रहे, एक ऐसे बच्चे की उन्होंने भूमिका निभाई जो डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित रहे, और आमिर खान ने भूमिका निभाई एक टीचर, एक आर्ट टीचर राम शंकर निकुंब की। दरअसल पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से दर्शिल सफारी यानी ईशान के पेरेंट्स उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं, लेकिन वहाँ पे उसकी जो बीमारी है, उस जो इस पर्टिकुलर एक जो जिसका हमने जिक्र किया, डिसलेक्सिया का हमने जिक्र किया, जिससे वो जूझ रहा है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन आमिर खान जो कि एक आर्ट टीचर की भूमिका निभा रहे हैं, वो इसकी समस्या से परिचित होते हैं और उसके साथ एक खास बॉन्डिंग बनाते हैं और उसके छिपे टैलेंट को बाहर लेकर आते हैं। खासी रिसर्च उस बच्चे पे करते हैं और उस स्कूल के बाकी टीचर्स को भी वो एक कहीं ना कहीं मैसेज देते हुए नज़र आते हैं कि हर बच्चा जो है वो स्पेशल है, लेकिन उसका सीखने का तरीका अलग हो सकता है, डिफरेंस बच्चों में हो सकता है सीखने के तरीके की वजह से। और ये फिल्म मैसेज भी देती है कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड लर्न्स डिफरेंटली, यानी हर बच्चा अलग है और वो अलग तरीके से सीखता है। बस ध्यान इस बात पे देना एक टीचर को और सोसाइटी को या पेरेंट्स को, जिम्मेदारी उनकी ये बनती है कि उसको सीखने का तरीका क्या है या वो किस डायरेक्शन में उसका दिमाग जा रहा है। इस फिल्म को न केवल लोगों ने पसंद किया, समीक्षकों ने सराहा, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया। ना इस फिल्म में कोई लव ट्रायंगल था, ना कोई आइटम सॉन्ग, फिर भी इसके मजबूत कंटेंट की वजह से ये फिल्म काफ़ी पसंद की गई, और आप सभी को भी ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 2009 में रिलीज़ हुई बॉलीवुड फिल्म थ्री इडियट्स की। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी ये फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की। इस फिल्म में आमिर खान मुख्य भूमिका में रहे और साथ ही आर माधवन और सरमन जोशी, बोमन ईरानी और करीना कपूर ने भी अच्छी भूमिकाएं निभाई और इनकी भूमिका को काफ़ी पसंद किया गया। फिल्म ये मैसेज देती है कि आप अपने सपनों का पीछा कीजिए, आप अपने सपनों को सच करने के लिए खूब मेहनत कीजिए, और जहां आपका पैशन है, जहां आप जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, दिल से आप करना चाहते हैं, जहाँ आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसके हिसाब से आप अपना करियर ऑप्शन चूज़ कीजिए और उस सपने को सच करने के लिए आप पूरी मेहनत कीजिए। ये फिल्म एक तरह से एक कटाक्ष करती है उस एजुकेशन सिस्टम पे, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको कुछ स्टीरियोटाइप कोर्स करने हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे बच्चे पढ़ें, तो इस प्रकार जो एक स्टीरियोटाइप एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उस पर सैटायर करती है। ये फिल्म एक मैसेज देती है कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागिए, यानी आप जिस विषय में आपका दिमाग है, जहाँ पर आप काम करना अच्छा लगता है, उसमें अपनी मास्टरी हासिल कीजिए। वो जो सक्सेस है वो उसका बाय प्रोडक्ट है, यानी जब आप एक्सीलेंट होंगे, जब एक्सीलेंस के पीछे जाएंगे तो सक्सेस आपके पीछे पीछे अपने आप आएगी। चाहे आप कुछ भी काम करना चाहें, चाहे आप एक फोटोग्राफर बने, चाहे आप टीचर बनना चाह रहे हैं, चाहे इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, लेकिन जब दूसरों की थोपी हुई, दूसरों की इम्पोज की हुई चीज़ों को आप करना चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आप उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे, ना एक अच्छा करियर बना पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 2015 में रिलीज़ हुई फिल्म नील बट्टे सन्नाटा की।
इस फिल्म का निर्देशन किया है अश्विनी अय्यर तिवारी ने और मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं स्वरा भास्कर, रिया शुक्ला, रत्ना पाठक और पंकज त्रिपाठी ने। इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका निभा रही हैं स्वरा भास्कर, वो एक बाई का काम करती हैं और वो चाहती हैं कि उनकी बेटी जो है वो कुछ जीवन में ऐसा करे जिससे हम सब प्रेरित हों, जिससे बाकी बच्चे प्रेरित हों, वो अपने सपनों को पूरा करे, न कि मेरी तरह बाई बने। लेकिन उसकी बेटी कहती है कि बाई की बेटी तो बाई बनेगी। अपनी बेटी को इंस्पायर करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए वो खुद एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसके साथ, और उसके साथ कंपटीशन करती है कि मैं आपसे ज़्यादा मार्क्स लेके दिखाऊंगी। इस तरीके से अपनी बेटी को इंस्पायर करती है और उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करती है। इसी कहानी को दिखाया गया है नील बट्टे सन्नाटा में। फिल्म में दिखाया गया कि किस प्रकार से जो गरीबी है, जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, उसकी वजह से जो टैलेंट है वो पीछे रह जाता है और उसका जो नुकसान है देश को भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी चुनिंदा लोग होते हैं जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और उस गरीबी के मकड़ जाल से उस इच्छा शक्ति के सहारे बाहर निकल जाते हैं। तो इसी तरह की एक प्रेरणादायक कहानी है नील बट्टे सन्नाटा। इसके बाद अगली फिल्म है चल चलें, जो स्टूडेंट्स के दिमाग पे जो प्रेशर है ज़्यादा मार्क्स लेके आने का, मेरिट में आने का, अच्छी परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है, चाहे वो पेरेंट्स का है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का है, सोसाइटी का जो प्रेशर है, वो किस कदर हावी हो जाता है बच्चों पे और कितने गलत कदम उठाने के वो मजबूर हो जाते हैं, उस सारी समस्या का चित्रण इसमें फिल्म में किया गया है। एक स्टूडेंट जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वो अल्टीमेटली सुसाइड कर लेता है, लेकिन उसके जो साथी हैं वो लड़ते हैं उसके लिए, उसको अधिकार दिलाते हैं। और एक फिल्म एक संदेश देती है कि हमें स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्हें खुले रूप से चीज़ों को पढ़ने, समझने, नेचुरली उनको ग्रो करने का एक मौका देना चाहिए। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए इसमें एक मैसेज है, स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है और ओवरऑल एक सोसाइटी के लिए मैसेज है कि आप बच्चों को एक तरह से प्रेशराइज मत कीजिए बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए, बल्कि उनको अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस देने का मौका दीजिए। 2009 में ये फिल्म रिलीज हुई। इसका निर्देशन किया उज्ज्वल सिंह ने और मुख्य भूमिकाएं निभाई मिथुन चक्रवर्ती, चिराग पी रुइया, मुकेश खन्ना और शिल्पा शुक्ला ने। इसके बाद हम बात करते हैं 2016 में रिलीज हुई फिल्म चौक एंड डस्टर की। यह फिल्म उन दो अध्यापकों, उन दो शिक्षकों की कहानी है जो स्टूडेंट्स के हित की बात करते हैं, उनके हित के लिए लड़ते हैं। और जो शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, एजुकेशन का जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से शिक्षा एक बाज़ार बन चुका है, और इसमें जो एक शिक्षा का जो नोबल प्रोफेशन है जिसको एक बहुत ही आदर्श पेशा माना जाता था, टीचर का स्टूडेंट का रिलेशन जो होता था वो बहुत ही एक अलग पवित्र एक रिश्ता माना जाता था, लेकिन शिक्षा के बाजारीकरण ने उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाई है और आज एक अलग तरीके से शिक्षा के परिदृश्य को देखा जाने लगा है। तो इसमें कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए, उस जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें गुरु शिष्य का एक जो नाता है, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करती नजर आती हैं दोनों अभिनेत्रियाँ, शबाना आजमी और जूही चावला। इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने रोल को निभाया है और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। जरीना वाहिब और दिव्या दत्ता भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया गया है और जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, जो एक बहुत ही एजुकेशन को एक अलग दर्जा प्राप्त हमारी सोसाइटी में है, उस नज़रिए से वैसा होना चाहिए, तो उसका काफ़ी अच्छा संदेश इस फिल्म में दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 2010 में रिलीज हुई फिल्म पाठशाला की। इस फिल्म में भी शिक्षा का जो कमर्शलाइजेशन है, शिक्षा का जो बाजारीकरण है, उस पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। और एक स्कूल कैंपस की एक कहानी है जहाँ पे एक टीचर जो है वो स्कूल मैनेजमेंट के साथ एक तरह से लड़ाई लड़ते हैं कुछ स्टूडेंट्स को साथ लेकर के, और कहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट जो है उसने इस प्रोफेशन को सिर्फ एक पैसे बनाने का एक तरह से इसको प्रोफेशन बना लिया है। इसमें किसी तरह का जो शिक्षा, एक जो पुराने समय में जो शिक्षा देने का तरीका था, एक तरह से भविष्य बच्चों का संवारा जा रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रेशर बच्चों पर डाला जा रहा है और केवल मनी मेकिंग के लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो इसमें एक रिवोल्ट करते हैं बच्चे और टीचर्स मिलकर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के खिलाफ, और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पाठशाला है, यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, न कि इसको एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन की तरह चलाया जाना चाहिए। इस फिल्म में शाहिद कपूर, आयशा टाकिया और नाना पाटेकर ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। इसके बाद एक और फिल्म जो 2010 में रिलीज हुई, एक बच्चे की कहानी जो काफ़ी एम्बिशियस है, जो काफ़ी कुछ करना चाहता है। वो बच्चा भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल मानता है और उन्हीं की तरह उनको कॉपी करता है, उनका हेयर स्टाइल कॉपी करता है, उन्हीं की तरह वो बनना चाहता है। लेकिन उसके पास वो सारे संसाधन नहीं है, गरीब परिवार से वो आता है, एक चाय की दुकान पे वो काम करता है, छोटू
उसका नाम है, लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है उसकी दोस्ती एक रईस परिवार, एक रॉयल फैमिली के छोटे बच्चे से होती है। उसको पढ़ने का जब मौका मिलता है तो बहुत अच्छी पढ़ाई वो करता है और उसकी भी काफ़ी वो मदद करता है, बिकॉज वो ब्रिलियंट काफ़ी है, उसको में करने का जुनून है, काफ़ी पैशन उसमें है। तो फिल्म ये संदेश देती है कि बच्चे काफ़ी प्रतिभावान है लेकिन गरीबी की वजह से कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं मिल पाता और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जैसे उनको मौका मिलता है तो वो फिर एक लंबी रेस के घोड़े की तरह लगातार मेहनत करते हुए अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। नील माधव पांडा के निर्देशन में बनी ये फिल्म काफ़ी सराही गई और समीक्षकों ने इसकी काफ़ी तारीफ की, काफ़ी अप्रिशिएशन किया। गुलशन ग्रोवर ने भी इसमें अच्छी भूमिका निभाई है और उनको काफ़ी सराहा गया है। तो हम सभी को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, पूरी फैमिली के साथ बैठ के इस फिल्म का एंजॉय करना चाहिए और इसके लेसन जो है उसको लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फिल्म हिंदी मीडियम की। 2017 में यह फिल्म रिलीज़ हुई। साकेत चौधरी के निर्देशन में बनी है फिल्म। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया इरफान खान, सबा कमर, दीपक डोबरियाल और दिशिता सहगल ने। इस फिल्म में दिखाया गया कि किस प्रकार से जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाने के लिए किस तरह की परेशानियों को एक तरह से झेलते हैं और एक नेक्सस बना हुआ है कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। कई लोग फ्रॉड भी करते हैं, कई जानबूझकर, कई गरीब बनते हैं और जो सीटें निर्धारित की गई गरीब बच्चों के लिए उसको कहीं ना कहीं हड़प लेते हैं। तो जो एक नेक्सस बना हुआ, जो एक साठगांठ चलती है, पर्दे के पीछे जो खेल होता है उसको इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार लाखों रुपए खर्च करके केवल एडमिशन के लिए बच्चे के, खासकर जो NCR रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, तो उसको काफ़ी उसमें उजागर किया गया है और एक सैटायर है एजुकेशन सिस्टम पे। फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, समीक्षकों ने काफ़ी सराहा और ख़ास तौर पर इरफान खान और दीपक डोबरियाल की जो प्रस्तुति थी उसको काफ़ी सराहना मिली। इसके बाद 2020 में इस फिल्म का यानी हिंदी मीडियम का सीक्वल अंग्रेज़ी मीडियम आया, रिलीज़ हुआ। डायरेक्शन होमी अदजानिया ने किया लेकिन मुख्य भूमिका ही निभाई इरफान खान, दीपक डोबरियाल और साथ में राधिका मदान और करीना कपूर खान ने। इस फिल्म में भी पिछली फिल्म से, हालांकि इसमें कहानी थोड़ी अलग थी, उसका प्लॉट अलग था, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की खामियों के बारे में इस फिल्म में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई। तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हिंदी मीडियम आप देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम भी आपको देखनी चाहिए, इसका सीक्वल आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है सुपर 30। विकास बहल की ये फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई। फिल्म की जो सारी कहानी घूमती है वो मैथमेटिशियन जो है, एक मैथ टीचर हैं आनंद कुमार, उनके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है, उनकी बायोग्राफी की तरह इस फिल्म को लिया गया है और वो किस प्रकार से उन गरीब बच्चों को जो कहीं ना कहीं एक तरह से मजदूरी में लगे हैं या अपनी मजबूरियों की वजह से किसी दूसरे प्रोफेशन में उनको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है लेकिन उनमें काफ़ी हुनर है, वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, तो वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको कोचिंग देते हैं। और एक सुपर 30 इसलिए क्योंकि वो 30 बच्चों को एक बैच जो है वो तैयार करते हैं और उन बच्चों को इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए तैयारी करवाते हैं। साथ में इस फिल्म में भी दर्शाया गया कि किस प्रकार से जो, जहाँ तक हम बात करते हैं, जो कोचिंग सेंटर हैं उनमें जो भारी भरकम फीस देने का जो मामला है, वहाँ एक आम बच्चा जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और इसी वजह से वो उस तैयारी से महरूम रह जाता है जो जिस लेवल की तैयारी एक अच्छे एग्ज़ाम के लिए चाहिए। तो इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने जो कि भूमिका निभा रहे हैं, मुख्य भूमिका में है, उन्होंने उन बच्चों को तलाशा है जो कि अलग अलग जगह कहीं ना कहीं मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं और उनको कोचिंग दी, उनको ट्रेनिंग दी और उसमें उन्होंने सक्सेस हासिल की एक अच्छे ट्रेनर बन के और उन बच्चों के जीवन को उन्होंने संवारा। फिल्म एक संदेश देती है कि सरकार को कहीं ना कहीं उन बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से और उनको जो कोचिंग संस्थान का जो एक नेक्सस है, एक जो रैकेट जो चल रहा है बड़ा, जहाँ पे भारी भरकम फीस है और वो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि अच्छा टैलेंट सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए और अच्छे बच्चे हर सेक्टर में आगे आ पाए। तो दोस्तों, आज हमने जिक्र किया उन फिल्मों का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, अलग अलग पहलुओं को उजागर करती हैं, न केवल पहलुओं को उजागर करती हैं बल्कि उनके समाधान भी सुझाती हैं। तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, उसकी समस्याओं को खुद सुधारने के लिए हम कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो हमें ये फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे इसी तरह के कुछ और ख़ास इंटरेस्टिंग विषयों के साथ। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।